प्लेलिस्ट जो निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस में है, क्यों मार्केट आज बुलिश रहा और कैसे रहा, किस बेसिस पे हमने बताया था, उसको आप सीखना चाहें तो जाके देख सकते हैं हमारे इस जो वेब राइडर चैनल है, इस चैनल पे आके आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल हो क्या हो सकता है। तो इस प्रकार ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि हमने ये बताया था कि जब तक निफ्टी है, निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल है वो कहाँ तक हो सकता है। तो आप देखें, 1 मिनट, जस्ट थोड़ा कर्सर सही कर लेते हैं। तो ये जो कैंडल बना है दोस्तों अभी, एक मिनट जस्ट, ये जो कैंडल बना है अब इस कैंडल को देख सकते हैं। सर ये जो कैंडल बना है आप ये देखें, तो यहाँ वॉल्यूम कम था, फिर भी क्या है मार्केट आज अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन क्या है क्लोजिंग इसके आस पास ही दिया, क्लोजिंग इसके पास दिया। बताया गया था दोस्तों कि जब तक ये जो हमारा लेवल है 17,900 जी फिबोनाची का लेवल था, इसके ऊपर मार्केट रहेगा तो हमें शॉर्ट नहीं करना। और अब देखें तो मार्केट इसी के ऊपर लगभग, आज का जो लो था 17,839 नहीं 17,840, और जो हाई था वो 17,945। तो निफ्टी आज तो उतना मोमेंट नहीं किया, फिर भी निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंट जो कैंडल बना है, और ये वॉल्यूम आप देखें तो एक वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा निफ्टी में है। तो नेक्स्ट लेवल हमारा कहाँ हो सकता है निफ्टी का, अगर आप नेक्स्ट लेवल की बात करें तो जब तक दोस्तों निफ्टी का, जब तक जो ये लेवल यानी 17,800 जो 20 है, 17,800 के लेवल को जब तक नहीं तोड़ता है निफ्टी, तब तक हमें निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन कभी भी क्रिएट नहीं करना, यानी स्विंग को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक हमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करना है। और ये पोजीशन अगर नीचे आता है 17,800 17,780 का, तो नेक्स्ट लेवल निफ्टी में 17,631 होगा। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा इसको हम चार्ट पे बात करेंगे। अगर ऊपर के लेवल में जाता है तो निफ्टी का नेक्स्ट लेवल हमारा 17,450 से 420 होगा दोस्तों, सॉरी 18,420, क्षमा कीजिएगा, 18,420 18,450 का लेवल होगा। ये लेवल जो 1.27 है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, इस लेवल तक आना चाहिए निफ्टी को। अगर ये लेवल को ये सस्टेन करता है आज देखें तो एक अच्छा बुलिश कैंडल। अब ये वीक्स है लेकिन आप वॉल्यूम को देखें, हमेशा वॉल्यूम को कंसीडर करना है, तो वॉल्यूम एक अच्छा खासा है। अगर इसको हम 1 आवर के चार्ट पे देखें इंट्राडे के लिए, तो आपको और अच्छा खासा पता चल जाएगा कि निफ्टी में जो 1 आवर का चार्ट है वो क्या कर रहा है और किस लेवल तक आया है और किस लेवल तक हमें ट्रेड करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों ये 1 आवर का चार्ट खुला है। आप अगर देखें तो जो ये जो 20 डे का मूविंग एवरेज है और VWM वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, ये दोनों साथ चल रहा है, और इसको आप देखिए अच्छा खासा कितना 1 आवर पे बहुत अच्छा खासा ये इसका क्या है सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे मार्केट इसके पास आता है एक बाउंस बैक देता है, जैसे मार्केट फिर ये आता है इसके पास एक बाउंस बैक देता है, आप देखें तो एक अच्छा खासा एक पैटर्न इसमें बन रहा है। आप ये जो है ये अनकंडीशनल पैटर्न देखें, आप अच्छा खासा एक पैटर्न बन रहा है। तो नेक्स्ट निफ्टी का नेक्स्ट लेवल हमारा जो ऊपर का लेवल 100% दिखाई दे रहा है, आप ये देखें दोस्तों, तो एक अच्छा खासा जो है पैटर्न आप बन रहा है, बहुत कम लोग इस पैटर्न को पहचान पाएंगे। तो इस प्रकार हमें निफ्टी में जितने भी हमारे चार्ट हैं जो प्राइस एक्शन है उसमें एक आपको अनकंडीशनल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता होगा, जिसको आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पर होता है उसको पहचानना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट का जो नेक्स्ट लेवल हमारा मैक्स जो है 18,240, उसके बाद 18,430 जो हमारा लेवल है हो सकता है। अब हम इसको जो डाटा है उस पर बात करेंगे कि डाटा पे हमें जो निफ्टी का लेवल है वो क्या निकल के आ रहा है और बड़े लोग क्या पोजीशन बना रहे हैं, कैसे पोजीशन बना रहे हैं। तो हमने ये चार्ट पे देख लिया कि जब तक हमारा जो लेवल यानी ये जो लेवल आपको 17,780 के लेवल का नीचे नहीं आएगा निफ्टी, तब तक हमें निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। अगर इस लेवल के नीचे आता है तो हमें 17,630 के लेवल के लिए शॉर्ट करना है, नहीं तो हमें
निफ्टी का नेक्स्ट लेवल हमारा ये जो आपको 18,420 18,430 तक होगा। और कौन सा लेवल आएगा ये अभी हम आपको डाटा पे क्लियरिफाई करेंगे। तो ये हमारा निफ्टी का ऑप्शन चैन का डाटा खुला हुआ है, आप ये देखें, ये वीकली डाटा है, इसमें हम आज मंथली में भी डेटेंगे देखेंगे कि मंथली में क्या पोजीशन हो जा रहा है। हमें दोस्तों मंथली और वीकली दोनों डाटा को एक साथ भरना बहुत जरूरी है और देखना जरूरी है कि मंथली में आखिर पोजीशन क्या बन रहा है। आप देखें दोस्तों, तो ये जो 18,150 इस पे आज क्या है, किसी ने पोजीशन बनाया है, ये पुट राइटर ही है। बाकी आप देखें जो 17,950 ये क्या है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ एक अच्छा खासा जो है पुट राइटिंग किया गया है और 18,000 पे भी पुट राइटिंग किया गया है, जबकि इधर ये रेजिस्टेंस का काम है। लेकिन कितना है ये हमको देखेंगे, अभी हमारा जो मैक्स पेन है वो 18,000 है, यानी 18,000 के पास क्या है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट दोनों में खड़े हैं। दूसरा हमारा 17,950 का है ये ले, तीसरा लेवल का है 17,900 का। आप ये देखें तो 18,000 हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन 17,800 और 17,900 के हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, जबकि 18,000 पे भी क्या है ओपन इंटरेस्ट जो कॉल राइटर का काम है पुट राइटर का ज़्यादा है और ये तीनों पे ज़्यादा है। आप इस प्रकार अगर डाटा में देखेंगे तो आपको क्लियर भी पता चल जाएगा। आप ये देखें दोस्तों, तो हमारा स्कोर है वो क्या है, निफ्टी में अभी न्यूट्रल है लगभग, इसलिए आज क्या किया निफ्टी ज़्यादा मोमेंट नहीं दिया, जबकि बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मोमेंट दिया आप देख सकते हैं, उसका भी हम यही अभी देखेंगे चार्ट और डाटा। तो इस प्रकार अगर आप देखें कि हमारा स्कोर क्या है वो तो हमने देख लिया, डाटा क्या कर रहा है दोस्तों, अगर डाटा की बात करें तो आप ये डाटा में देखेंगे कि ये जो हमारा जो 17,900 पे एक अच्छा खासा कॉल राइटर ने अपना पोजीशन क्लोज किया और ये अपना पोजीशन क्या है 18,000 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि आप ये देखें तो 18,000 पे पुट राइटर बहुत अच्छा खासा है, बहुत ये देखें 38,000 सबसे ज्यादा। आप ये पूरे लेवल में देखें तो आज सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहाँ हुआ है 18,000 पे है, जबकि 18,000 क्या है इन द मनी है, आप देखें तो 18,000 इन द मनी है और यहाँ प्रीमियम अभी भी 105 रुपया बचा है और मात्र 57 रुपया यहाँ का प्रीमियम खाया गया। तो आप इस तरह देखें कि कहाँ कौन कॉल राइटर या पुट राइटर एक्टिव है। आप देखें 18,000 पे हुआ है ये कॉल राइटिंग भी, लेकिन कॉल राइटर से बहुत ज्यादा हैवी पुट राइटर है, पुट राइटर की जो पोजीशन है बहुत ज्यादा हैवी है और ये अपना पोजीशन क्या है 18,100 तक क्रिएट किए हैं लगभग। ये देखिए 18,300 पे भी इन्होंने पोजीशन बनाया है थोड़ा सा, जबकि यहाँ कॉल राइटर है ज्यादा। मैं कल के वीडियो में ये भी बताया था कि ऊपर जो 18,300 में क्या हो रहा है 18,300 में जो है वो कॉल बाइंग हो रहा है। आप ये देखें क्या है, ये बायर है, ये बायर कौन थे कल के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि बायर कौन थे। अगर आपको ऑप्शन चेन सीखना है दोस्तों तो ये एक ऑप्शन चेन का सीरीज आपको डेली वीडियो देखना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप ऑप्शन चेन को डेली सीख सकें और आप ये डाटा को अगर अपने डेली सीट में भरेंगे और डेली आप एनालिसिस करेंगे तो 100% आप बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है पोजीशन को पहचान पाएंगे। कैसे पहचान पाएंगे इसको अभी हम थोड़ा सा क्लियर करके और बताएंगे। ये तो हो गया वीकली का डाटा, चलिए दोस्तों इसमें हम तो फटाफट मंथली का डाटा डाल के देख लेते हैं। ये मंथली का डाटा क्या है, ये हमारा जो है निफ्टी का खुला हुआ है, आपको क्लियर भी मिल जाएगा कि मंथली में क्या हो रहा है। जस्ट एक मिनट, मैं आपको मंथली का डाटा खोल के डालता हूँ। ये ऑप्शन चेन का मंथली का डाटा है, इसको हम अपने एक्सेल शीट में फिल करते हैं, फिर हमें एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि मंथली में जो है वो बड़े प्लेयर कहाँ पोजीशन बना रहे हैं। जस्ट एक मिनट दोस्तों, ये हमारा एनालिसिस शीट का रो डाटा है, हमने यहाँ मंथली का डाटा लेकर पुट अप कर दिया, फिर आप देखें ये हमारा एनालिसिस शीट बस रेडी हो गया। अगर जिसको ये सीट चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, बहुत ईजी इसको फिल करना है। आप देखें दोस्तों ये मंथली का डाटा है, आप चाहे तो ऑप्शन चैन एनालिसिस उस पर भी कर सकते हैं एनएससी के साइड पे। आप देखें कि ये कहाँ 18,000 18,050 18,100 18,150 पे क्या है मंथली में कॉल राइटर बुलिश है, यहाँ तक इन्होंने पोजिशन बनाया गया। ये देखें पोजिशन दोस्तों, ये अच्छा खासा, आप जब तक मंथली और वीकली को कोरिलेट करके नहीं चलेंगे तब तक आपको क्या होगा एक क्लियर व्यू नहीं मिल पाएगा। आप देखिए 17,500 ये है, 17 जो मैक्स में अभी मंथली में 18,000 और 18,500 की तरफ क्या है पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। आप ये देखिए, अगर आप दोस्तों इसको कल देखेंगे तो ये पता नहीं हो पाएगा कि किसने पोजीशन बनाया है, इसलिए आपको मंथली और डेली दोनों का डाटा डेली देखना पड़ेगा। और इस प्रकार अगर आप डाटा की बात करें कहाँ पोजीशन बनाया गया है किसके द्वारा,
तो ये हम अपने सीट पे देखेंगे। चलिए इसको हम डाटा पे बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो 17,900 है इधर से पोजीशन क्लोज हो रहा है, ये 18,000 पे क्या है, कॉल राइटर अपना हल्का पोजीशन कर रहे हैं, लेकिन देखिए 18,100 पे पुट राइटर अभी भी पोजीशन क्या है अपना क्रिएट कर रहे हैं मंथली में। ये 18,000 पे क्या है, इन्होंने पोजीशन किया 18,200 पे पोजीशन ये क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको क्या है, ये सीट को जब फिल करेंगे आप या फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे तो क्लियर भी मिल जाएगा कि वीकली और मंथली दोनों में आपको, वीकली अगर पोजिशनल ट्रेड करना है या इंट्राडे ट्रेड करना है तो वीकली और मंथली दोनों ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा ताकि आपको एक क्लियर व्यू मिले। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ जो क्या है, ये मात्र अभी जो मंथली में 2400 पोजिशन कॉल राइटर के द्वारा, जबकि 13,000 पोजिशन पुट राइटर के द्वारा बनाया गया, जो कि आज का क्या है, आज जो है मात्र 15% अगर आप देखें दोनों का करें तो 15% क्या भागीदारी कॉल राइटर का है, जबकि 85% पुट राइटर का भागीदारी है अगर दोनों में आप देखें तो। इस स्ट्राइक प्राइस यानी 17,850 से लेके 18,050 तक आप ये देखें, इनके में जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, ये पुट राइटर अपना पोजीशन बनाए। तो आप देख लेंगे कि किसने पोजीशन बनाया, कौन बड़े प्लेयर हैं, आप इसको हम अगले सीट पे देखेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर भी मिल जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो सीट है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं इसको देखते हैं। ये हमारा सीट है दोस्तों जिसमें हम ऑप्शन चैन के डाटा जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट है वहां से लेते हैं। आप देखिए ये जो 11 तारीख का पोजीशन है, ये 11 तारीख का पोजीशन इसमें क्या है, ये 73,600 कल का पोजीशन था क्लाइंट का, जबकि आज क्या है 62,000 पोजीशन, यानी 10,000 पोजीशन इन्होंने क्या किया है शॉर्ट कर दिया, या फिर 10,000 पोजीशन जो बनाए थे वो अपना क्लोज कर दिए हैं। ये जो इंडेक्स कॉल में ये क्या है, ये 26,000 पोजीशन अपना क्या है ज्यादा शॉर्ट किए हैं, कॉल को शॉर्ट किए हैं। ये कल भी 19,000 पोजीशन शॉर्ट किए थे, सॉरी दोस्तों आप ये कल भी 19,000 पोजीशन शॉर्ट किए थे और कॉल अपने वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट श्योर शॉर्ट ऊपर जाएगा। ये क्या है देखिए, ये मार्केट में पुट को बाई कर रहे हैं, 73,000 पोजीशन इन्होंने बाई किया जबकि 26,000 कॉल को राइट किया। तो आप समझिए कि क्या इंडेक्स जो ऑप्शन है और फ्यूचर ये दोनों में क्या है, क्लाइंट बुलिश नहीं बियरिश है, ये दोनों में बियरिश है। ये क्या है, पुट बाई कर रहे हैं और कॉल को सेल कर रहे हैं, ये पूरी तरह बियरिश है, जबकि ये बाई कौन कर रहा है। और आप ये देखिए जो एफआईआई है क्या है, ये इंडेक्स जो फ्यूचर है इसको बाई कर रहा है, यानी ये क्या है फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल को ये क्या कर रहे हैं, कॉल में भी इन्होंने बाई कर रहा है कल, देखिए ये क्या है, ये 28,000 क्वांटिटी ये सेल कर रखे हैं पुट में, पुट राइट किए हैं ये, बाई कौन किया आप देखें ऊपर के राइट ऊपर की तरफ, ये कल भी बाई किए थे। तो आपको ये क्लियर व्यू इस सीट से मिल जाएगा कि बाई कौन कर रहा है और सेल कौन कर रहा है। आप देखिए ये क्या है, ये जो बड़े प्लेयर हैं कॉल को बाई कर रहे हैं और ये पुट को राइट कर रहे हैं, बड़े प्लेयर कॉल को बाई कर रहे हैं एफआई और पुट को राइट कर रहे हैं। आप इस प्रकार अगर एफआई जो हो गया, ये प्रॉपर्टी की बात करें ये तो क्या है, ये न्यूट्रल है लगभग, लेकिन ये क्या है कॉल को बाई कर रहे हैं। आप ये देखिए ये क्लियर व्यू आपको ऑप्शन चैन और ई एच सीट को जब आप कोरिलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि ऑप्शन बाई कौन कर रहा है और सेल कौन कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपना ये कॉल को सेल किया और ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों ये पुट को बाई कर रहे हैं, क्या बढ़िया एकदम रिटेल इन्वेस्टर को चूना लगाया जा रहा है। आप इस सीट से अच्छी तरह देख सकते हैं, जबकि यहाँ राइट कौन कर रहा है, पुट को राइट कर रहे हैं प्रोप्राइटरी और ये जो है इंडेक्स, ये जो एफआईआई है ये क्या है, आप देखिए फ्यूचर में क्या है, दोनों जो क्लाइंट है ये बियरिश है, जबकि एफआईआई क्या है फ्यूचर ऑप्शन दोनों में बुलिश है। ये प्रोप्राइटरी क्या है, हल्का सा बियरिश है, ये देखिए आप 5,000 क्वांटिटी जो सेल किए हैं, जबकि क्या है ये बुलिश है ऑप्शन में, और डीआई भी क्या है, ये बुलिश है फ्यूचर में और ऑप्शन में बियरिश है। इनकी डीआई की पोजिशन जो ऑप्शन में ये बहुत कम होती है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि एफआईआई ने अपना एक अच्छा खासा कैश में अब सेल किया है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अपने कैश में अब देखें लगातार सेल कर रहे हैं, ये अपना क्या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जबकि यहाँ बाई कौन कर रहा है, आप देखें दोस्तों की जो है क्लाइंट ऑलवेज बाई कर रहे हैं अभी। तो आप इस सीट को और ऑप्शन चेन को मिला के आप देख सकते हैं, अच्छे तरह कोरिलेट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, हमने चार्ट पे भी बता दिया। चलिए ये तो एनालिसिस हो गया निफ्टी का, और हम फटाफट अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। दोस्तों ये हमारा बैंक निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का हमारा ये चार्ट अभी देख लेते हैं, चार्ट पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप ये देखें कि बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छा खासा आज
कैंडल बनाया है, लेकिन इसके अनुसार वॉल्यूम नहीं है। आप देखिए देखिए कैंडल के अनुसार क्या है, वॉल्यूम नहीं है। दोस्तों वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरी है। हम ये बोले थे कि जब तक बैंक निफ्टी 37,680 के नीचे नहीं आएगा तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है। क्लियर व्यू था कल के वीडियो में, क्लियर 100% बताया गया था। जबकि आपका आप लो देखें तो 37,744 का लो मरा है और हाई आप 38,495 क्या मस्त आज समझे कि बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। और हमारा नेक्स्ट लेवल समझे कि ये था 38,100 और 38,200 का लेवल था। इस लेवल तक क्या है, बैंक निफ्टी आ सकता है। दोस्तों अगर इस लेवल पे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है 38,100 के ऊपर, तो नेक्स्ट लेवल जो बैंक निफ्टी का होगा वो होगा चार्ट के हिसाब से, नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी का जो होगा वो कहाँ तक होगा, आप ये देख सकते हैं। ये जो लेवल है 39,600 का लेवल होगा नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी का 39,600 का। ये सुनने में तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, ये बोलेंगे कि क्या बकवास कर रहा है, लेकिन बिल्कुल अगर इस लेवल को निकलता है तो 39,600 का लेवल होगा। इसको हम डाटा पे बात करेंगे। आप अगर देखें कि कितना अच्छा कैंडल बना है लेकिन वॉल्यूम नहीं है इसमें, थोड़ा सा ये सस्पिशियस लग रहा है, सस्पिशन है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी जब तक 37,680 के लेवल को नहीं तोड़ता है, बैंक निफ्टी बेरिश नहीं है। और इसके नीचे ही हमें क्या करना है कि शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है। इसके ऊपर हमें हमेशा बुलिश ही रहना है जब तक आपको ये मिला। अभी एक इसका नेक्स्ट लेवल 38,100 का हो गया, 38,100 के ऊपर जब तक रहेगा बैंक निफ्टी बुलिश ही रहेगा। और आप अच्छे स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, एकदम सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो 37,680 के नीचे ही शॉर्ट करें बैंक निफ्टी को, इसके ऊपर शॉर्ट ना करें। आप अगर चाहें तो इसको 1 आवर के चार्ट पे और क्लियर भी आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि 1 आवर चार्ट क्या कर रहा है। दोस्तों ये है 1 आवर चार्ट। आप देखिए कि इस लेवल से जो बैंक निफ्टी जो बताया गया था, ये हमारे वीडियो में लगभग ये लेवल कम से कम 5 या 6 दिन से निकल के आ रहा है कि जब तक 37,680 के लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक हमें क्या करना है। सॉरी दोस्त, 37,680 के लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक हमें क्या है, शॉर्ट नहीं करना। अभी नेक्स्ट जो लेवल हमारा रहेगा 38,200 के स्विंग को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक क्या है, बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। या फिर अगर आप सेफ चाहते हैं तो 38,000 के लेवल को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक हमें बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। और 38,000 के लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल 37,700 या 37,680 होगा। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि अभी जो 1 आवर का जो लास्ट कैंडल है उसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो कल अगर इस स्विंग को 38,200 के स्विंग के आसपास आपको मिलता है और यहाँ से कोई 15 मिनट का कैंडल मिलता है तो आप बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं 38,500 के लेवल का या 38,450 के लेवल का, 38,500 के लेवल के लिए बाई कर सकते हैं। जब तक 38,200 के नीचे नहीं आता है तब तक बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना। इस प्रकार अगर हम अब डाटा की बात करें कि डाटा में क्या हो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का ये डाटा खुला हुआ है, ये वीकली है। वीकली में आप देखें तो बैंक निफ्टी क्या है, अच्छा खासा 38,300 तक क्या है, पुट राइटर एक्टिव हैं। उसके ऊपर क्या है, कॉल राइटर हैं। लेकिन कॉल राइटर क्या है, यहाँ मात्र कॉल राइटर 53% है, 47% क्या है पुट राइटर ही, यानी दोनों लगभग बराबर हैं। जबकि यह 38,500 पे देखें 48%, यानी यहाँ भी जो है कॉल राइटर एक्टिव हैं। तो इस प्रकार आप देखें कि जो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुआ है, जो शॉर्ट किए थे वो बहुत अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हुआ है यहाँ से। और क्या है, लगभग हमारा स्कोर है वो भी अच्छा है। देखिए ये ओपन इंटरेस्ट बेरिश है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है बुलिश है, एलटीपी बुलिश है, एलटीपी चेंज बुलिश है, आईबी हमारा क्या है थोड़ा सा बेरिश दिखा रहा है। तो ये लाइव मार्केट में चेंज होता रहता है। तो इस प्रकार आप देखिए कि 38,000 एक सपोर्ट का काम कर रहा है दोस्तों, 37,500 जबकि ये 39,500 अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस क्या है ऊपर शिफ्ट हो रहा है, जबकि सपोर्ट क्या है ऊपर से नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो आप इस तरह बैंक निफ्टी देख सकते हैं कि बुलिश है, डाटा भी हमें बता रहा है और चार्ट भी। तो आप अगर इसको डाटा पे और देखें तो क्लियर भी मिल जाएगा कि कॉल राइटर को जिसने भी कॉल राइटिंग किया था, देखिए 38,000 पे एक अच्छा खासा उनको जो चूना लगा है आज। और कॉल राइटर कौन किया था कल, आप जाके देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर किए थे, तो इनको क्या हुआ एक बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और ये 38,000 पे बहुत अच्छा खासा पुट राइटर जो है पुट राइटिंग किया गया है जो कि बहुत ही हैवी आज 56,000। और आप देखें ना ये 38,500 तक क्या है पुट राइटिंग, ये 15,000 13,000 23,000 क्या है किया गया, जबकि ये कॉल राइटिंग यहाँ अपना कॉल राइटर क्या है पोजिशन क्लोज कर रहे हैं।
ये पोजिशन अपना क्लोज कर रहे हैं, इन्होंने अपना नीचे पूरा पोजिशन क्लोज किए हैं। जैसे ये क्या है, जो शॉर्ट किए थे शॉर्ट कवरिंग हुआ है और यहाँ पुट राइटिंग हुआ, मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर गया है। आप लाइव मार्केट में अगर इस तरह डाटा देखें और कोरिलेशन करें तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा और एक अच्छा खासा आप मुनाफे कमा सकते हैं। बिना आप सीखे दोस्तों ट्रेड ना करें, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं और आपको भारी नुकसान होगा। तो ये ऑप्शन में मैं आपको हमेशा सजेशन सलाह दूंगा कि आप बिना सीखें, भले आपको लेट हो सीखने में, 2 महीना 4 महीना 6 महीने लगे, लेकिन आप पूरी अच्छी तरह ऑप्शन चेन को सीख लें तभी आप ट्रेड करें। दोस्तों आप देखेंगे कि ये क्या है, ये जो पुट राइटर जो है अपना ये पोजिशन ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि कॉल राइटर अपना पोजिशन क्या है ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए एक अच्छा खासा क्या है, ये 23,000, ये भी ये 38,000 पे ये क्या है जो है पुट राइटिंग किया गया है। तो इस प्रकार ओवरऑल अगर डाटा देखें तो ओवरऑल डाटा आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल डाटा क्या कर रहा है। ओवरऑल डाटा आप देखें तो ये जो कॉल राइटर के द्वारा 35,000 पोजीशन क्रिएट किया गया है, जबकि आज पुट राइटर के द्वारा 1,10,000 पोजीशन क्रिएट किया गया, जो कि 92% यानी पूरे जो ओपन इंटरेस्ट का 92% आज समझिए कि पोजीशन क्रिएट किया गया। क्या जबरदस्त पुट राइटिंग किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। दोस्तों अगर ये क्या है वीकली है, अगर हम मंथली की बात करें तो हमने मंथली का जो है ऑप्शन चेन अगर उसमें डालें तो हमें क्लियर व्यू मिल जाएगा। चलिए मंथली का डाटा हम डाल के एक बार देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट लगेगा दोस्त। तो अगर मंथली की डाटा हम डालें तो हमें पता चल जाएगा कि मंथली में क्या हो रहा है हमारे ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी में। ये मंथली का डाटा है, तो आप इस तरह देख सकते हैं कि मंथली में भी जो है ये क्या है, 38,000 पे जो कॉल राइटर हैं ये अपना पोजीशन क्लोज कर रहे हैं और ये पोजीशन 38,500 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और क्या है ये देखिए, 38,500 पे आज एक अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है, 38,500 जो कि 39,000 पर देखिए किन पहले से पोजीशन बना रखे हैं पुट राइटर। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ इतना इन द मनी कौन पोजीशन बनाया हुआ मंथली में। जब तक आप ये मंथली और वीकली का डेली वाइज एनालिसिस नहीं करेंगे आपको एक क्लियर व्यू नहीं मिल जाएगा। दोस्तों मैं आज मंथली और वीकली का डाटा इसलिए दिखाया ताकि आप एक अच्छे तरह एनालिसिस कर सकें और एक सीख सकें, आप एक जो ऑप्शन चेन में रस्सी का छीरा पकड़ सकें कि बड़े प्लेयर के द्वारा क्या किया जा रहा है। आप इस तरह देखिए कि क्या हो रहा है, आप देखें बायर कौन है, इधर क्या है, आप देख रहे थे बाइंग कौन कर रहा है, जबकि ये सेलिंग कौन कर रहा है, आपने हमारे सीट में देख लिया। तो इस प्रकार आप देखें तो क्या, यहाँ आप देखें पोजिशन 38,500 की तरफ और 39,000 की तरफ बनाया जा रहा है। तो आप इस तरह डाटा और चार्ट के आधार पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इस जो हमारा चैनल है वेब राइडर, इसको आप फॉलो करें, और आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमारे भाई हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, वो सीख सकें सही एनालिसिस क्या होता है। क्योंकि दोस्तों जो मार्केट में बड़े लोग होते हैं उनको जब तक वो हम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तब तक वो पैसे कमाते रहेंगे और हम उनको हमेशा प्रॉफिट देते रहते हैं, हमेशा उनको पैसे देते रहते हैं, अपना एक जो हार्ड अर्न मनी होता है वो हमेशा उनको देते रहते हैं। तो इस प्रकार हम आपसे बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब तक पूरे ऑप्शन चेन सीखे नहीं तब तक आप ट्रेड ना करें। अगर आपको दोस्तों अच्छा अगर वीडियो लगा तो आप ये शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। और ये दोस्तों वीडियो जो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इस वीडियो के आधार पर कोई भी बाई सेल या होल्ड का पोजिशन न लें, बाई सेल या होल्ड का पोजिशन अपने फिनेंशियल एडवाइज़र के सलाह पर ही लें। धन्यवाद, मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन प्रॉफिट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय देने के लिए।